नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। आज फिर एक नई कहानी से शुरुआत करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुचर्चित नानावती केस, जिसकी वजह से भारतीय न्याय व्यवस्था से जुड़ी सिस्टम को हटाया गया। नानावती वापस मुंबई अपने घर लौटा तो उनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ फिल्म देखने गई होती है। नानावती आग बबूला हो गया और अपने रिवॉल्वर से आहूजा पर फायर कर दिया। नानावती बनाम महाराष्ट्र केस सन 1959 का बहुचर्चित हत्या का मुकदमा है, जिसके कारण सरकार को न्याय व्यवस्था में जुड़ी सिस्टम को ही बंद करना पड़ा। नानावती एक नौसेना अधिकारी था। ड्यूटी के सिलसिले में उसे अपने बम्बई स्थित आवास से दूर अक्सर समुद्र में जहाज पर रहना होता था। घर पर उसकी पत्नी सिलिविया और 3 बच्चे रहते थे। नानावती का एक मित्र था प्रेम आहूजा, जो ऑटोमोबाइल व्यापारी था। नानावती की अनुपस्थिति में आहूजा का नानावती के घर आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे प्रेम आहूजा और नानावती की पत्नी सिल्विया के बीच संबंध बढ़ता गया और आगे चलकर यह संबंध अवैध संबंध में बदल गया। जब दौरे से नानावती वापस मुंबई अपने घर लौटा तो उनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ फिल्म देखने गई होती है। नानावती इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने ऑफिस जाकर अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालकर लोड किया तथा आहूजा के घर चला गया। नानावती ने आहूजा को अपनी पत्नी सिलिविया से शादी कर अपनाने को कहा। इस पर आहूजा ने बड़ी बेरुखी दिखाते हुए कहा कि उसके इस तरह के संबंध बहुतों से हैं, तो यह जरूरी नहीं कि वह उन सबसे शादी करे। यह सुनकर नानावती आग बबूला हो गया और अपने रिवॉल्वर से आहूजा पर फायर कर दिया। गोली लगने से आहूजा की मौके पर ही मौत हो जाती है। नानावती ने गोली मारकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस पर अदालत में केस चला। यह मुकदमा ज्यूरी कोर्ट में चला। मुख्य केस में नानावती आईपीसी सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1 का लाभ उठाना चाहते थे। उनका कहना था कि यह निर्णय उन्होंने ग्रेव एंड सडन प्रोविकेशन में लिया था। इसका मतलब है कि उनके पास समय नहीं था कि वह निर्णय ले सके और यह सब अचानक हो गया। ज्यूरी का कहना था कि सही केवल एक ही होगा, भले ही दोषी दोनों हो। यदि नानावती कुछ न कर पाते तो न्यायाधीश महोदय क्या व्यभिचारी पुरुष को मृत्युदंड देते हैं? संभवतः बिल्कुल नहीं। ज्यूरी पीड़ित के साथ है तथा जज अपराधी के साथ। ज्यूरी ने कहा कि हत्या के आरोप से नानावती को बरी कर दिया था। लोगों ने इसका विरोध भी किया। इस मामले को मीडिया ने बहुत उछाला था। उस समय प्रिंट मीडिया बहुत सशक्त था। बम्बई का तत्कालीन साप्ताहिक ब्रिटिश लोगों के सर चढ़कर बोलता था। ब्रिटिश ने इस कांड में लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़कर नानावती को एक हीरो और आहूजा को खलनायक जैसा बना दिया था। उस समय मीडिया ट्रायल थी, जिसमें न्याय के स्थापित मान्य सिद्धांत नहीं थे। वह जनमत मीडिया प्रचार से प्रभावित हो रहा था। अतः सरकार ने ज्यूरी के द्वारा दिए गए निर्णय पर जंगहंसाई से बचने के लिए निर्णय समझ कर ज्यूरी सिस्टम को ही खत्म कर दिया। इसके बाद बम्बई हाईकोर्ट में इसकी अपील हुई थी, जहां दूसरा पक्ष का यह कहना था कि यह एक पूर्व नियोजित एक्शन था। जिसने मर्डर किया था उसके पास पूरा समय था कि वह निर्णय ले सका। एक्यूज्ड के पास पर्याप्त समय था कि वह निर्णय ले सके। ऑफिसर का अपने शिप पर जाना, वहां से अपनी रिवॉल्वर लाना और मारना एक बड़ा समय होता है। निर्णय लेने के लिए बम्बई हाईकोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 300 एक्सेप्शन 1 के अपील को खारिज कर दिया। न्याय की कसौटी के तहत गुण दोषों के आधार पर जूरी कोर्ट का फैसला पलटते हुए नानावती को दोषी पाया गया और बम्बई हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नानावती ने महाराष्ट्र की राज्यपाल को क्षमा याचना के लिए आवेदन दिया और सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अपील यह कहकर निरस्त कर दिया कि अपील और क्षमा याचिका दोनों एक साथ नहीं चल सकते। उसके बाद तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने याचिका स्वीकार कर क्षमादान कर दिया। तो आपने देखा किस तरह से नानावती अपने जोश में होश खो बैठे, जिसको लेकर उन्हें हत्या करना पड़ा। ऐसा ही नई नई खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।